हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर गाइस। तो फिलहाल अभी मैं सोकर उठाऊँ गाइस, तो आज राखी भी है, रक्षाबंधन भी है। तो गाइस मेरी तरफ से आप सभी के लिए रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं गाइस। तो फिलहाल मैं यार, आज मेरी बड़ी दीदी आने वाली है और मैं नहाया भी नहीं हूँ यार, काफ़ी टाइम हो चुका, 10:30 बज चुके हैं यार गाइस। तो फिलहाल दीदी नेपाल से आने वाली है मेरी, और जो दिल्ली में रहती हैं दीदी वो तो आ नहीं पाई यार किसी कारणवश। सो गाइस फिर भी अब दी जो नेपाल वाली आ रही है वो आ चुकी हैं। फिलहाल मैं नहा के तैयार हो जाऊँ फटाफट और उनके लिए लेने के लिए देखता हूँ स्टेशन पर जाने के लिए, प्लान बनाता हूँ ले जाने के लिए, बाइक से निकलता हूँ अपनी। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ और आपको दिखाता हूँ आगे का सफ़र। और काफ़ी बच्चे भी आने वाले हैं जो तावड़ तोड़ यार शोर मचाने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पर गाइस। तो यार देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए गाइस मेरे साथ। हेलो गाइस, तो फाइनली तुम्हारा भाई रेडी हो चुका है। ये तुम्हारे भाई का ड्रेस स्क्वाड है आज, ये देखो। तो गाइस निकलते हैं अपनी पुष्पा लेकर, खड़ी है अपनी पुष्पा। पुष्पा किसका नाम है, अपनी बाइक का नाम पुष्पा है गाइस। तो निकल रहे हैं, बस जूते उतर डाल लो, बस पहन चुकी है भाई, जूते तो पहन के तैयार है गाइस। तो निकलते हैं, बने रही साथ हमारे गाइस। यार मैं दिल्ली को लेने के लिए जा रहा हूँ यार, पता है क्या हुआ यार, मैं थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा नहाने धोने में भी लेट हो गया। अब निकल गया, ट्रेन तो आ चुकी है स्टेशन पर, हम लोग निकल भी रहे हैं। फिर क्या करूँ यार, बाइक तो तेज भगा ही रहा हूँ मैं, लेकिन कितनी भी स्पीड से भगा दूँ फिर भी जल्दी मैं नौ इंच नहीं पहुँच सकता यार। देखते हैं जहाँ तक चलता है, मिलते हैं वहाँ तक चलते हैं। दीदी ऑब्वियसली लेट हुई, उधर से आएगी ऑटो में बैठकर, कोई नहीं बाकी निकलते हैं। अपने छोटू बैठा है पीछे यार, कह रहा है चाचा और भगाओ, मैंने की भगाने से कोई बात नहीं है, ऑब्वियसली लेट हो चुके हैं यार। बनी रही गाइस हमारे साथ, देखते हैं और बाकी भगा ही ला रहे गाड़ी अपनी। सो फाइनली गाइस स्टेशन पे जाने से हमने मना कर दिया गाइस, अब क्या करते हैं, हम वापस जाते हैं रिटर्न घर, क्योंकि हमारी दीदी ने बोल दिया है और कह रखा है कि अब यार स्टेशन से वो ऑटो में बैठ चुके हैं और अपनी गाड़ी वही यहाँ खड़ी रखी है यार, ये देखो। तो यहाँ से मोड़ कर फिर जाते हैं घर, अब क्या करना आगे जाकर, काफ़ी यार अभी दूर डिस्टेंस है काफ़ी, तो सोचते हैं यार। और पर से अब इसको भगाने से हमारी पुष्पा को कोई फ़ायदा नहीं है यार, तो भगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी हमें पहुँचने में ही कम से कम 10 मिनट लगेंगे, और 10 मिनट में तो फिलहाल उधर से ऑटो से ही आ जाएंगे यार। तो फिलहाल मैं नहीं जा रहा हूँ यार, तो रेडली ही घर पर जा रहा हूँ यार, निकलता हूँ फिर सब आपको घर पर ही दिखाता हूँ गाइस। तो अभी मेरे पास फ़ोन आ चुका, कह रहे आना मत स्टेशन पर, तो मैं बीच में से रिटर्न हो रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है नहीं आ रहा हूँ। तो निकलते हैं और आपको दिखाते हैं घर जाकर गाइस, बने रहिए मेरे साथ। गाइस जिसका मैं इंतजार था वो लोग आ चुके हैं, अभी आए हैं, अभी आने वाले हैं, रास्ते में चल रहे हैं। आराम से आराम से फोन को, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। नमस्ते दीदी। नमस्ते। और आगे सब लोग रेडी हो चुका है भाई राखी बांधने के लिए, बड़े दीदी ने तैयार कर लिया सामान, तो निकलते हैं अब भाई राखी बंधवाएंगे। बड़े भैया भी तैयार हो गए, सब लोग हम रेडी हो चुके हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। आइए गाइस दिखाते हैं आप सभी को। ये गाइस हमारी फैमिली है सारी, ये लोग, तो एक एक करके सबसे मिलवा दूंगा मैं आपको। लाल आप देखिएगा गाइस, तो रेडी करिएगा स्टार्ट। तो ये लोग फाइनली गाइस दीदी ने स्टार्ट कर दिया, तो दीदी राखी बांध रही है, दिखाओ ये लो। जब तक और लोगों से मिलवा देता हूँ मैं, ये देखो सबसे पहले मेरी मम्मी है बैठी हुई है गाइस, ये लो। और मम्मी कहती है दिखाओ थोड़ा, तो मम्मी को शर्म लग रही है अभी, ये लो।
गर्व आ गई मम्मी। बाकी ये देखो अभी चल रहा है, फिर मेरा नंबर आएगा और बाकी मेरी सिस्टर, एक सिस्टर आई नहीं है जो कि डेली में इस टाइम वो किसी कारणवश रुक गई थी, तो बाकी तीन सिस्टर आई हुई है। ये देखो फाइनली हमारा राखी का त्यौहार बन चुका है यार। देखो कितनी सारी बांध रखी है, तो हमारी तीनों सिस्टर्स ने बांधी। एक सिस्टर दिल्ली में थी जो कि इस टाइम दिल्ली में आ नहीं सकी, वो भी उनके लिए यार सलूट तो बनता है। लेकिन बाकी और लोगों से मिलवाता हूँ आपको, ये देखो, ये देखो। हेलो गाइस, हेलो बोलो। तो गाइस ये सबसे बड़ी दीदी हैं जो कि नेपाल में रहती हैं, इस टाइम नेपाल से आई थी। और ये छोटी बहन है मेरी, उससे छोटी प्रीति, इसका नाम प्रीति, राधा
और ये सबसे बड़ी नरेंद्र दीदी जो और शाली दीदी है जो हमारी डेली वाली है वो इस टाइम आई नहीं, तो उनके लिए एक बार हेलो बोल दो। हाय शाली दीदी, देख रही हैं तो कैमरा में जरूर देखेंगी, और उनके लिए बच्चों के लिए भी हाय बोल दो, उनके बच्चों के लिए एक एक करके नाम। हेलो अर्षिका, हाय वंशू, और उसका नाम क्या है? तो बहुत मिस कर रहे हैं आपको भी दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, काश तुम भी आती तो और अच्छा लगता। तो गाइस ये सब मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, मम्मी पापा कहाँ गए? बाहर। तो मम्मी पापा बाहर बैठे हुए हैं, मैं मिलवा दूंगा, ये मिलो, ये सबसे बड़ी भाभी हैं और सबसे फिर छोटी वाली भाभी ये है, और ये हमारे निहाल, बाकी अपनी पल्टर ऊपर बैठी हुई है, सबके नाम बताने में दिक्कत हो रही है, कहाँ कौन बैठा मुझे नहीं दिखा। ये ओम भाई नेपाली है, ये भी, ये कृष्णा और ये मनी। तो बहुत ज़्यादा शरारती लोग हैं यार, और बहुत अच्छा लग रहा है फैमिली के साथ बैठकर, बहुत अच्छा इन्जॉय भी हो रहा है गाइस। और ये परेशान है, ये देखो एम स्टेटल, ये इससे पूछो ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ता नहीं, तो कहती है पापा की परी। तो बने रहिए गाइस, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एक बार हाय हो जाए सबको, तो लाइक दो, बोल दो, लाइक करो, कमेंट करो। ओके, बाय बाय।